हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आया हूँ एक नई रेसिपी लेकर अपने सिस्टर के घर पे। ये हमने आज बनाया है सॉल्टेड कैरामलाइज्ड कोल्ड कॉफ़ी। ये बिल्कुल ही नई रेसिपी है और आप ट्राई करोगे तो आप सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो इसे हम अभी स्टार्ट करते हैं बनाने के लिए। इसके लिए हमने ले लिया है 1 लीटर चिल्ड दूध। पहले दूध को हमने गर्म करके फिर ठंडा कर लिया है। साथ में हमें लगेगा नमक, शुगर आप पाउडर शुगर भी ले सकते हो, मैंने अखाई शुगर लिया है। साथ में लगेगा अपने को कॉफ़ी पाउडर आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हो, और लगेगा हमें वनीला आइसक्रीम। तो यहाँ पे हमने फ्राई पैन को गर्म कर लिया है। अभी शुगर को हम मेल्ट करके उसको कैरामलाइज्ड कर लेंगे। ये प्रोसेस को आपको बड़े ध्यान से करना है, क्योंकि कैरेमल अगर जल गया तो कड़वा कड़वा लगेगा, फिर बिल्कुल ही मज़ा नहीं आएगा। तो आप उसे ध्यान से कैरेमलाइज्ड करें और धीरे धीरे उसके अंदर हम ऐड करेंगे मिल्क। मिल्क को ऐड करके कैरेमल के साथ में पूरा ब्लेंड कर देंगे। उसके बाद हम उसे ठंडा करके दूसरे पतीले में ले लेंगे, ट्रांसफ़र कर लेंगे, और वहाँ पर हम ऐड कर देंगे कॉफ़ी पाउडर, शुगर और हल्का सा 1 पिंच जितना सॉल्ट, और फाइनली हम ऐड कर देंगे उसमें वनीला आइसक्रीम। आप यहाँ पे चॉकलेट आइसक्रीम भी ऐड कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और उसे फिर अच्छे से हम ब्लेंड कर लेंगे, बढ़िया से एकदम मिक्स कर लेंगे। आप जितने बढ़िया से उसको मिक्स करेंगे और आइसक्रीम की क्वांटिटी अच्छी रहेगी, आपकी कोल्ड कॉफ़ी उतनी ही बढ़िया टेस्ट में लगेगी। बिल्कुल आपको अजीब सा लगेगा कि हमने इसमें सॉल्ट डाल के ये कैसा टेस्ट आएगा, लेकिन मानो मेरी बात फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़बरदस्त एकदम टेस्ट वाइज है। आप एक बार ट्राई करके देखिए ये रेसिपी, बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। अमेजिंग रेसिपी उनके लिए, तो कोल्ड कॉफ़ी मतलब बहुत एकदम ज़बरदस्त ड्रिंक हो गया। ऐसे बच्चों को दूध तो बिल्कुल ही पसंद नहीं, लेकिन दूध के अंदर आइसक्रीम और वो भी कॉफ़ी और कोको पाउडर के साथ में बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा आपको। आप ये रेसिपी ज़रूर से ट्राई करके देखें और मुझे कमेंट करके बताना कि आपकी रेसिपी कैसी बनी और कैसे लगी बच्चों को और बड़ों को। ओके फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, और आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी मेरे चैनल को शेयर करें।